हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाद भरा किचन ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नेचुरल होम रेमेडी। आज मैं आपको मेहंदी भिगाने का तरीका बता रही हूँ। जिस तरह से हम मेहंदी को भिगाकर तैयार करेंगे, आप देखेंगे कि मेहंदी को लगाने के बाद आपके बालों का कलर कितना नेचुरल और कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपके बाल टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं या आपके हेयर फॉल हद से ज़्यादा हो रहा है, आपके बालों में शाइन नहीं है, सिल्की नहीं है या स्मूथ नहीं है, तो आपके लिए ये रेमेडी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आपके बाल फ्रेजी हैं या डल हैं, बालों का कलर लाइट है या बालों का कलर पीला पड़ गया है, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जिस तरह से मैं मेहंदी को बनाकर तैयार कर रही हूँ, आप इसी तरह से मेहंदी को बनाकर तैयार करिए और अपने बालों में ट्राई कीजिए। आपके बालों का कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, जैसे आपके बालों में एक नई जान आ जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम मेहंदी को किस तरह से बना के भिगाएंगे और तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मेहंदी को तैयार करने के लिए एक बाउल में एक गिलास पानी डाल देंगे और 1.5 टीस्पून हम इसमें चाय की पत्ती ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर को ऐड करेंगे। चाय की पत्ती में टैनिक एसिड की भरपूर मात्रा होती है, जो बालों को काला करने में बहुत मदद करती है, और कॉफ़ी पाउडर में कैफीन की मात्रा काफ़ी होती है। तो चाय की पत्ती और कॉफ़ी के कॉम्बिनेशन से आपके अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप सफ़ेद बालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से आप मेहंदी को बना के तैयार करेंगे तो बिना डाई के आप नेचुरल अपने बालों को काला बना सकते हैं। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे कुछ करी पत्ता। करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत बनाता है, गिरने से रोकता है और इसके अलावा ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे प्याज के छिलके। जी हाँ, प्याज के छिलकों को आप फेंकिए नहीं, इनको इस्तेमाल करके आप अपने बालों को खूबसूरत चमकदार बना सकते हैं। आप कई तरह के कंडीशनर इस्तेमाल कर चुकी होंगी, लेकिन अब से आप प्याज के छिलकों का टोनर बनाकर मेहंदी को भिगाइए और अपने बालों में लगाइए और बालों को मुलायम और शाइनी बनाइए। प्याज बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी बेहद असरदार है। औषधीय गुणों से भरपूर प्याज गुणों का खजाना है। प्याज बालों को तेजी से विकास करने में बेहद उपयोगी है। प्याज में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को पोषण देता है, जिससे बालों का तेजी से विकास होता है। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्याज बेहद बेनिफिशियल है। प्याज में मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण के कारण यह गिरते बालों को भी रोकता है, और अगर आपके सिर में रूसी है या कोई इन्फेक्शन है तो उसे भी ये दूर करने में मदद करता है। प्याज बालों को खूबसूरत बनाता है, बालों में शाइनी लाता है। तो चलिए अब हम टोनर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और सभी इन्ग्रीडियंट को हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है और इसको हम धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको पानी में उबाल आने देंगे और कुक होने देंगे। इस तरह से हमें 10 मिनट तक इसको उबाल आने देना है और कुक होने देना है, ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स के जो गुण पानी में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए हम रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोनर यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने टोनर को पूरा छान लिया है, और छानने के बाद में जो ये मिक्सचर बचेगा इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम रीयूज़ करेंगे। तो पहले हम मेहंदी को भिगा लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम रीयूज़ कैसे करेंगे। ये देखिए आप, टोनर हमारा एकदम बन के तैयार हो चुका है। इसको मैं 3 तरह से यूज़ करके आपको बताऊँगी। फर्स्ट तो ये है, इसे आप एक स्प्रे बॉटल में भर के रख सकते हैं और आप इसको अपने बालों में अप्लाई कीजिए, इसको स्प्रे कीजिए, या आप एक कॉटन को टोनर में डीप करके अपने पूरे स्कैल्प पर, हेयर पे आप इसको अप्लाई कीजिए और कुछ देर के लिए मसाज कीजिए।
हफ्ते में दो बार इस तरह से करने से आपके बालों की लेंथ बढ़ेगी, बाल घने होंगे, सॉफ्ट होंगे, शाइनी बनेंगे। सेकंड, हम इस टोनर से मेहंदी को भिगा के तैयार करेंगे। इसके लिए हम टोनर लेंगे और इसमें आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी को डालिए और इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। जब मेहंदी को आप मिक्स कर लें, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, लम्स फ्री आप मेहंदी को एकदम से भिगा के तैयार कर लीजिए। जब पूरी तरह से मेहंदी अच्छे से आपकी मिक्स हो जाएगी, भीग जाएगी, तब हम इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालेंगे। उसके डालने से आप खुद देखेंगे कि आपका बालों का कलर एकदम नेचुरल तरीके से काला हो गया है। तो यहाँ पे टोनर के साथ हमने मेहंदी को अच्छे तरह से मिक्स कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। 1 टीस्पून हम इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोकोनट ऑयल डालने से मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है और नेचुरल तरीके से आपके बालों का कलर नेचुरल डार्क ब्राउन हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इस रेमेडी को ज़रूर एक बार यूज़ कीजिएगा। अब इसे हम ढक के 2 घंटे के लिए रख देंगे और 2 घंटे बाद हम इसे अपने बालों पे अप्लाई करेंगे और 4 से 5 घंटे तक हम इसे सूखने देंगे। उसके बाद में हम अपने बालों को वॉश करेंगे और फिर आप देखिए अपने बालों की खूबसूरती। आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे, इतना अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आता है कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये आपके हेयर हैं या किसी और के हैं। इतने अमेजिंग सा इसका रिज़ल्ट आता है, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से आप हफ्ते में 2 बार टोनर बनाकर टोनर को अपने बालों में अप्लाई कीजिए और आप 15 दिन में 1 बार मेहंदी को अपने बालों में अप्लाई कीजिए। इससे आपके बाल एकदम शाइनी, सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। अब हम इस मिक्सचर का यूज़ करेंगे। टोनर बनने के बाद में जो मिक्सचर हमने बचाया था उसको अब हम रीयूज़ करेंगे। तो इस मिक्सचर को आप मिक्सी के जार में डालिए और एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। फिर उसमें आप 2 टेबल स्पून दही को ऐड कीजिए और मिक्स कीजिए। ये आपका एक पैक बन के तैयार हो जाएगा। इस पैक को आप हफ्ते में 1 बार अपने पूरे बालों में स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए और 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद में आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए और आप अपने बालों का खुद रिज़ल्ट देखेंगे कि आपके बाल कितने चमत्कारी रूप से खूबसूरत हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक ही टोनर से हमने 3 तरह की रेमेडी को बना के तैयार की है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके बाल कितने इससे लंबे, शाइन, सिल्की और तेज़ी से आपके बालों की ग्रोथ होने लग गई है। बालों में जो फ्रेजीनेस था, डल थे, लाइट कलर के बाल थे, तो वो सब आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय।